जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 30वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण जी से पूछा, हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की बहुत प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। श्री सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता, ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो, अथवा सुरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो, अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुपर हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति को देवता के समान पूजन करे, कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे, बाला हो, युवती हो, अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर, अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दुति के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त होने और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। सुरूपवान, जवान, मनोहर कामिनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती, तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवा दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी न करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली, खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे,
समय पर भोजन देवे। भोजन करते समय कभी भी खराब बाड़ी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरों के साथ बातचीत असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को खाता नहीं है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उबटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है, उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती हैं। प्रथम दिन चांडाली हैं, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी हैं, तीसरे दिन रजकी हैं, चतुर्थ दिन शुद्ध होती हैं। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदनाद लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दत्वन करना, मानसिक अथवा वाचिक धुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस्वला स्त्री नहीं करे। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस्वला स्त्री स्नान करे, दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्नपूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे। अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वस्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे। शुभ की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत वत्सा आदि का ससर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे। भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे और अजीर्ण न हो, ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा अस्तंभन हो जाए अपने गुणों से हीन। दूसरी शौत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या, राग से होने वाला मत्सरता आदि के होने पर भी शौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे। दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे। पति से दूरवास नहीं करे किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे। विलासपूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में उत्कट
उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्नचित से श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जाए। पति के समीप व्यंग चंचल चित से व्याकुल हो नहीं बैठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भत्सर्षित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर भी, पतिव्रता स्त्री व्यथित दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे, ऊंचे स्वर से रोदन न करे और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भागकर न जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर और अध्यक्ष से रक्षित होकर जाए और वहाँ अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आए। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से मना न करे और उस समय रोदन न करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे। ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्नों पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे। अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, आजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिश्रव आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित उतान होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह में कार्यों को करके हरदीलेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करें। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाएं। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाएं और कहें कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवें, द्वार का सेवन न करें, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरों को कभी न देवें। पति के उच्छिष्ट मीठा अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है कहकर निरंतर प्रसन्न रहें। सुख से सोएं, सुख से बैठें, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठाएं।